जय भीम साथियों, भारत में आजकल निजीकरण की चर्चा जोरों शोरों से है। जहां देखो सब कुछ बिक रहा है, शिक्षा, एयर इंडिया, रेलवेज। कभी कभार सोचता हूं कि इस सरकार के मुख्य सलाहकार आखिर है कौन? अडानी, अंबानी, बाबा रामदेव? सही जवाब दीजिए। जो कमेंट बॉक्स में सही जवाब देगा उसे 15 लाख नहीं मिलेंगे। भारत की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की बात करें तो आधी सरकारी आधी प्राइवेट है। इसके बीच में हम झूलते रहते हैं। ऐसा ही एक और देश है मलेशिया। इसलिए आज साड्डा हक के तीसरे एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मलेशिया की आरक्षण नीतियों की, जो कि सबसे ज्यादा है इस निजीकरण की अर्थव्यवस्था में, शुरू ही व्यवसाय में हुई। हमने अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका की बात तो की उनकी आरक्षण नीतियों की पिछले 2 एपिसोड में, पर अब हम बात करेंगे कि ऐसे देश की मलेशिया, जहां आरक्षण संवैधानिक हक तो है ही, पर एक नया मॉडल आरक्षण का पेश किया है मलेशिया ने, एक ऐसे एशियन देश ने, अर्थव्यवस्था जो निजीकरण की अर्थव्यवस्था है, जहां पूंजीवाद का बोलबाला है आज पूरे विश्व में, उसमें आरक्षण, उसमें सकारात्मक नीतियां कैसे हों। तो आइए थोड़ा आपको संक्षिप्त में बता दें कि सामाजिक पृष्ठभूमि और कहे तो हम ऐतिहासिक कारण जो शोषण के रहे वहाँ के बहुजनों के, वहाँ जैसे भूमिपुत्र कहते हैं वहाँ के जो मूल निवासी हैं, उनके कारण आपको थोड़ा संक्षिप्त में बताते हैं। मलेशिया में आरक्षण संवैधानिक हक है। वहाँ के बहुजन, मूल निवासी मलेज और बाकी ट्राइब्स और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए, इनकी संख्या कुल मिलाकर आबादी का 68% है। 23% मलेशिया में चाइनीज है और 7% भारतीय मूल के लोग। 68% मलेज को भूमि पुत्र यानी माटी के सपूत भी कहा जाता है। जैसे भारतीय संविधान में आरक्षण के लिए अनुच्छेद 15, 16 और 330 है, उसी प्रकार मलेशिया संविधान के अनुच्छेद 153 के मुताबिक वहां की सरकार भूमि पुत्रों के लिए कोटा रख सकती है सर्विसेज, लाइसेंसेस, परमिट, शिक्षा संस्थानों और कई अन्य ऐसे क्षेत्रों में। मलेशिया में भी आरक्षण ऐसे प्रावधानों में से एक है जो ऐतिहासिक शोषण की समस्या को ठीक करने के लिए लाया गया है। मलेशिया में भी विभिन्न समुदायों के बीच तनाव अंग्रेजों के शासन के समय बढ़ा, जब 19वीं और 20वीं सदी में चाइनीज और भारतीय मूल के लोग वहां काम करने के लिए गए। अंग्रेजों की हुकूमत के दौरान सबसे ज्यादा चीनी लोगों ने, फिर भारतीयों ने व्यवसाय और कृषि के क्षेत्र में तरक्की करी। तमिल सुपरस्टार रजनीकांत की सुपरहिट पिक्चर कबाली में इस पर रोशनी भी डाली है। आप जरूर देखिए ये पिक्चर, इसमें कबाली एक अंबेडकरवादी सिद्धांतों पर चलने वाला किरदार है। अंग्रेजों के टाइम दुख की बात यह रही कि मलय सामंती वर्गों को छोड़कर, जो कि सबसे ऊंचे अभिजात वर्ग थे, ज्यादातर मूल निवासी मलय की सामाजिक आर्थिक स्थिति खराब रही। 1957 में मलेशिया को स्वतंत्रता मिलने के बाद भी ज्यादातर राष्ट्रीय धन और संपत्ति विदेशी और चाइनीज कंपनियों के हाथ में रही। इस कारण से मलेशिया में स्वतंत्रता मिलने के बाद भी 1960 के दशक में सामाजिक तनाव बढ़ता रहा और 1969 के ऐसे दंगों के बाद जिन्होंने मलेशिया को हिलाकर रख दिया, वहां की सरकार ने 1971 में एक ऐतिहासिक आर्थिक नीति निकाली जिसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहा गया है और इसी से आरक्षण की नींव रखी गई। देखा हमने, वहां भी 68% बहुजन है, यहाँ 85% है भारत में, पर 68 भी मेजॉरिटी संख्या है आबादी की। वह पिछले 150-200 साल में काफ़ी दबे रहे, बाहर से जो लोग आए प्रवासी उन्होंने कब्जा कर लिया सारे संसाधनों में, तो अब उन्होंने भी स्वतंत्रता के बाद ऐसे कई सारे आरक्षण जैसी नीति निकाली जिसको हमने बताया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से स्टार्ट हुआ आरक्षण, इसके 2 मुख्य एम ऐसे रहे कि पहला पूरी तरह गरीबी को हटा देना और दूसरा सामाजिक न्याय, हिस्सेदारी और प्रतिनिधित्व देना भूमि पुत्रों को, माटी के पूजों को पूरी तरह प्रतिनिधित्व देना। तो एक तीर से 2 निशाने इस आर्थिक नीति से आए। 1970 के दशक में ही आर्थिक नीति ने कमाल करना शुरू कर दिया। कई सारे
स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स बिजनेसमैन को काफ़ी फाइनेंशियल हेल्प दी ताकि और नौकरियां भी क्रिएट हो और बहुत सारे बिजनेस पर्सन्स जो हो वो मूल निवासी वहाँ के मलेशिया के बने। और 1978 में तो कमाल की नीति आई कि वहाँ जो चाइनीज़ और विदेशी मल्टीनेशनल कंपनियाँ थी उनके शेयर्स में भूमिपुत्रास को हिस्सेदारी दी गई, ओनरशिप दी गई सीधा डायरेक्टली शेयर्स में। और आपको यहाँ एक कमाल का हम वो बताएंगे आंकड़ा, कंपनियों में भूमिपुत्रों का हिस्सा 1970 में केवल 2% था, 2008 में 20% तक पहुंच गया। ये हुआ सकारात्मक नीतियों की वजह से। मलेशिया में कुल गरीबी दर जो 1970 में 50% थी वह 2012 आते आते केवल 2% रह गई है वह गरीबी दर। तो ये गरीबी भी खत्म हुई वहाँ ऐसी आरक्षण नीति, क्योंकि आप व्यवसाय में लाए, आर्थिक नीति में सीधा आरक्षण का मिशन हुआ, तो गरीबी दर भी कम हुई और एक नया वर्ग पैदा हुआ है भूमिपुत्रा कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कम्युनिटी। तो नौकरियों से बढ़कर सिर्फ नौकरियों में नहीं, जैसे भारत में केवल नौकरियों में आरक्षण है ऐसा नहीं, बिजनेस में ही आरक्षण दिया गया, शुरुआत ही वहीं बिजनेस से हुई। तो ये काफ़ी कमाल की बात है। और अगर हम यहाँ अब 21वीं सदी में आए, 21वीं सदी में 2010 में एक नया इकोनॉमिक मॉडल मलेशिया में आया पिछले 10 साल में, जिसमें मार्केट फ्रेंडली अफर्मेटिव एक्शन की बात की गई, यानी पूंजीवाद और सकारात्मक कदम, पूंजीवाद और आरक्षण और विविधता साथ साथ कैसे चल सकते हैं। तो ये अब हर देखा जाए तो मूल्यांकन हुआ है 21वीं सदी में, खासकर जब 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी आई उसके बाद नई नीतियां निकाली मलेशिया ने। तो ये बहुत गजब की बात है। और ये मैं इसलिए आपने बताया क्योंकि हम अगर भारत के 70 साल का इतिहास देखें तो जवाहरलाल नेहरू के समय कई सारे बड़े बड़े राज्य उद्योग बने, बड़ी कंपनियां राज्य की बनी। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी के टाइम पे नेशनलाइजेशन हुआ, बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ, सामंतियों से ज़मीन ली गई, ऐसे ही कई सारी नीतियाँ आई। 1990 के दशक में मनमोहन सिंह को जिसका क्रेडिट दिया जाता है, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन के रिफॉर्म्स आए। पर ये तीन बड़े आर्थिक कदम थे पिछले 70 साल में भारत के। पर इन तीनों कदमों में आप देखिए सकारात्मक नीतियों के बारे में, आरक्षण या कैसे विविधता ला सकते हैं, वो भी हिस्सेदारी में, टॉप लेवल की हिस्सेदारी में, कैसे शेयर्स बिजनेस में दिए जाने चाहिए यहाँ के बहुजनों को, ऐसी कोई नीति नहीं आई। इसलिए मैं मानता हूँ आरक्षण नीति सबसे छोटी और सबसे कमज़ोर आरक्षण नीति भारत की रही है बाकी देशों से कंपेयर किया जाए। और काफ़ी हद तक धूर्तता भी है क्योंकि अब देखिए रिजर्वेशन इन प्रमोशन के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट या बाकी कोर्ट्स ने, हाई कोर्ट्स ने कई सारी जजमेंट दे दी है। तो ये दिखाता है कि हमारी आरक्षण नीति काफ़ी हद तक एक धूर्त आरक्षण नीति है, खासकर अगर हम कंपेयर करें तो। अब आते हैं शिक्षा और रोज़गार। ऐसा नहीं है वह शिक्षा और रोज़गार में मलेशिया में नीति नहीं है, वो नीतियाँ भी इस आर्थिक नीति के अंतर्गत ही है, कोई स्पेशल कानून नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं नौकरियों में, जॉब्स में क्या नीति है मलेशिया में। 1971 की आर्थिक नीति के अंतर्गत ही नौकरियों में कोटा रखा गया। 1970 से 2005 तक सबसे टॉप के पब्लिक सेक्टर नौकरियों में भूमिपुत्रों को हिस्सा 22% से बढ़कर 37% तक हो गया है। नीचे लेवल की जॉब्स में भी मलेश की स्थिर रूप से वृद्धि होती गई है। 1970 में वहाँ के मूल निवासी 47% होते थे, अब 21वीं सदी में 58% नौकरियां उनकी हो गई हैं। पर मलेशिया की भी प्रॉब्लम रही है कि वहाँ के प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में आरक्षण नहीं है, पर वहाँ की कंपनियों ने खुद ही विविधता की कई सारी नीतियाँ और प्रोग्राम निकाले हैं। और इनका असर ये हुआ कि प्राइवेट सेक्टर में भी वहाँ के मूल निवासी प्रोफेशनल्स काफ़ी बढ़ गए हैं। 1970 में केवल 5% थे, 2005 में 38% हो गए हैं। इनमें आप चाहे जर्नलिस्ट मान लीजिए, लॉयर्स मान लीजिए, सीए मान लीजिए, डेंटिस्ट मान लीजिए, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, कोई भी मॉडर्न प्रोफेशन ले लीजिए। और सबसे अब गौर करने वाला आंकड़ा, ध्यान से सुनिएगा, 85% सिविल सर्वेंट या ब्यूरोक्रेट मलेज है वहाँ पे। और अगर यही भारत की टॉप ब्यूरोक्रेसी में हम देखें तो विविधता है ही नहीं,
10% से कम है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग, और अदर बैकवर्ड कास्ट में से तो ना के बराबर है। मैं टॉप नौकरशाही की बात कर रहा हूँ, टॉप ब्यूरोक्रेसी में वहाँ के मूल निवासी 85% है। और साथ ही मैं आपको बता दें, वहाँ की राजनीति में भी वहाँ के मूल निवासी सक्रिय रहे हैं। जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पावर है, वहाँ भी मलेशिया के मूल निवासी हैं। इसलिए 30 से 40 साल ज़रूर लगे आरक्षण नीतियों को असर दिखाने में, पर 1970 से जब हम 21वीं सदी के पहले दशक के आंकड़े देखते हैं तो काफ़ी हद तक मलेशिया के मूल निवासियों का जो प्रतिनिधित्व है उनकी आबादी के अनुपात हो चुका है, और अभी भी कई सारी नीतियाँ आ रही हैं। वहीं भारत में अगर हम देखें, उत्तर प्रदेश का मैं एग्जांपल ले लूं, हाल ही में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं जो औरतों के खिलाफ कास्ट बेस्ड हिंसा हुई है, और ये और देखिए पुलिस और प्रशासन कितना मिली जुली रही राजनेताओं के साथ। इसमें इससे कोई घटिया एग्जांपल हो ही नहीं सकता था जहाँ राजनेताओं का ऐसा कंट्रोल पुलिस और प्रशासन पर हो। इसलिए है क्योंकि पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारियों में SC ST OBC का प्रतिनिधित्व काफ़ी कम है। तो हमें ऐसे आंकड़े और चाहिए, और इसका सल्यूशन भी यही है, हमें कास्ट सेंसस पे जोर देना है ताकि प्रतिनिधित्व का सही हमें मापदंड पता चलेगा, तभी हम उसे आंकड़े पता चलेंगे, तभी हम और शोर मचा सकते हैं, तभी इस मुद्दे को और बहस का मुद्दा, सार्वजनिक राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बनाया जा सकता है। अब शिक्षा के कुछ आंकड़े बता दें, 2-3 आंकड़े ही हैं पर बहुत ही दिलचस्प आंकड़े हैं। मलेशिया की शिक्षा में भी सीट्स रिजर्व हैं, 55% सीट्स रिजर्व है वहाँ पे, और स्कॉलरशिप्स भी हैं वहाँ। और दिलचस्प बात है कि वहाँ पहले चाइनीज़ मूल के लोगों के लिए अलग विश्वविद्यालय और कॉलेज होते थे, पर वहाँ में भूमिपुत्राओं की सरकार आने के बाद वहाँ के मूल निवासी भूमिपुत्राओं के लिए खास विश्वविद्यालय बनाए गए जिसमें भूमिपुत्रों का ही दाखिला होता था। अब असर ये हुआ है कि जो पब्लिक विश्वविद्यालय है वहाँ पे मलेशिया के मूल निवासी ज़्यादा हैं, और प्राइवेट सेक्टर में चाइनीज़ और अन्य छात्र ज़्यादा है, और सारी यूनिवर्सिटीज़ मिलाकर 60% मलय छात्र हैं। अपनी आबादी के अनुपात हिस्सा है उनका मलेशिया की उच्च शिक्षा में। आबादी के अनुपात देखिए कितनी बढ़िया बात है, आबादी के अनुपात हो गया है हिस्सा। ये मैं फिर से रिपीट करने की बात नहीं है, पर जब राजनेता मूल निवासी होते हैं या बहुजन के होते हैं तो, और ऐसी नीतियां बड़े हद तक लगाई जाती हैं, तो ही आबादी के अनुपात हिस्सा आ पाता है। और आखिरी जो आरक्षण के बारे में मलेशिया की, मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये बताऊंगा, कैसे वहाँ शॉपिंग मॉल्स में भी आरक्षण है। जी हाँ, शॉपिंग मॉल्स में जो दुकानें हैं वो भी भूमिपुत्रों के लिए, जो मूल निवासी लोग हैं उनके लिए आरक्षित हैं, ताकि वह आज टेक्नोलॉजिकल युग में भी कैसे आरक्षण बनाया जा सकता है उसका एग्जाम्पल है। कि कुछ हद तक दुकानें जो टैबलेट्स, लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन, कैमरास बेचते हैं उसमें भी दुकानों में आरक्षण या कोटा दिया जाता है वहाँ में ना के भूमिपुत्रास के लिए। और ये अभी नई नीति है, 2016 में ही शुरू हुई, पिछले 3-4 साल ही हुए हैं, तो अभी इतनी प्रखर नहीं हुई, क्योंकि वहाँ के लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो नौकरशाही का आलसपन कहा जाता है या नौकरशाही का भ्रष्टाचार कहा जाता है वो भी इसमें भी बहुत है, तो इसमें सुधार की ज़रूरत है। पर ये मॉडल बहुत ही अनोखा है कि समाज के हर क्षेत्र में, हर संसाधन में आरक्षण हो। आखिरी इस वीडियो के हिस्से में हम बताएंगे कुछ समस्याएं भी हैं मलेशिया की आरक्षण नीतियों में, जिससे मलेशिया भी सीख सकता है और हम भी सीख सकते हैं। पहली बात तो यह है, वहाँ कोई कानून नहीं है। देखिए, एक नीति बनाई सरकार ने, उसके तहत ही सारा आरक्षण है, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है या आर्थिक नीति है उसके अंतर्गत ही, पर कोई कानून नहीं है, वो प्रॉब्लम है। और वहाँ कह रहे हैं क्रीमी लेयर भी बन चुका है एक, क्योंकि 40 साल में काफ़ी लोग आ गया है, आंकड़े दिखाते हैं, तो एक क्रीमी लेयर बन गया है, तो उसकी प्रावधान की भी एक डिमांड है, वो प्रावधान होना चाहिए वहाँ। और एक और बात यह है कि कोई स्वतंत्र एजेंसी नहीं है जो कि मूल्यांकन कर पाए, या और जो प्रॉब्लम्स ये भ्रष्टाचार की बात की, इनको लागू करने में कोई स्वतंत्र एजेंसी नहीं है, सरकार ही है जो सब कुछ करती है। तो आई थिंक ये स्वतंत्र एजेंसी की बात में तो मलेशिया और भारत
दोनों सीख सकते हैं इस बात से, दोनों को स्वतंत्र एजेंसियां, निरीक्षण के तंत्र चाहिए कि आरक्षण की नीतियां ढंग से लागू हो। पर मुझे लगता है मलेशिया भारत के ओबीसी आरक्षण से सीख सकती है। ओबीसी आरक्षण का प्रॉपर कानून है, जो शिक्षा का आप देखिए, खासकर शिक्षा में जो 2006 में आया ओबीसी आरक्षण, उसका प्रॉपर कानून है और क्रीमी लेयर की भी पॉलिसी वेल डिफाइंड है, तो उससे मलेशिया भी सीख सकता है। और एक और बात जिससे मलेशिया और भारत दोनों सीख सकता है कि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट कहती है कि 47% जो मूल निवासी है वहाँ के, वह अंडर एम्प्लॉयड है, उन्हें इंग्लिश स्किल्स नहीं आती, इसलिए कई बार उनके लिए नौकरी पाना इसलिए भी मुश्किल हो जाता है आरक्षण के बावजूद। तो कहते हैं कि कहीं ना कहीं स्किल डेवलपमेंट सरकार और करे और इंग्लिश का उपयोग और अच्छा हो। तो हमारे लिए सबक है, ऐसे समय में जहाँ हिंदी की अंतर्राष्ट्रीयता बढ़ रही है, हिंदी थोपी जा रही है, मैं ये नहीं कह रहा हिंदी कोई खराब भाषा है, हिंदी उतनी अच्छी भाषा है, पर मुझे लगता है हिंदी इंग्लिश दोनों सीखिए, बहुत ज़रूरी है। ये 21वीं सदी के जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में, खासकर आर्थिक तौर पर एम्प्लॉयमेंट के लिए, नौकरी के लिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, तो हमें सीखना चाहिए दोनों, हिंदी इंग्लिश, स्किल डेवलपमेंट उसमें होना चाहिए। और करप्शन एक और है मलेशिया में, आखिरी पॉइंट यही है कि एक जो भी हम सीख सकते हैं, वहाँ एक अली बाबा स्कीम होती है कि मलेशिया के जो अलीज़ है या मलेशिया के जो लोकल मूल निवासी जिन्हें अली कहा जाता है, सरकार उनके नाम पे कंपनी तो कर देती है पर एक्चुअल कंपनी को चलाते चाइनीज़ है। तो ये फ्रॉड और स्कैम्स वहाँ भी हैं बिजनेस पॉलिसीज़ में, जिसका मलेशिया को सीखना है और हमें भी इससे सीखना है। यहाँ भी कोटा के बहुत फ्रॉड होते हैं, कहीं ना कहीं कास्ट सर्टिफिकेट के भी गलत कास्ट सर्टिफिकेट्स बनते हैं, सवर्ण लोग बहुत सारे गलत कास्ट सर्टिफिकेट्स बना के भी आरक्षण लेते हैं, सीटें नहीं भरती। तो हमें भी ये सबक लेना है कि भ्रष्टाचार जो है कैसे कम हो आरक्षण नीतियों में। पर एक सबक अल्टीमेटली आखिरी लाइन यही कहूँगा मैं, आज पूंजीवाद का समय है, हम शायद ना रोक पाए पूंजीवाद को, प्राइवेट सेक्टर जिस तरह से बढ़ रहा है इस देश में, उसको रोकना अभी तो बहुत ही नामुमकिन सा लग रहा है। तो हमें भी ऐसी पॉलिसीज़ देखनी चाहिए, इस मुद्दे को उठाना चाहिए, कैसे प्राइवेट सेक्टर में, इस निजी सेक्टर में कैसे पूंजीवाद और आरक्षण का मिश्रण हो पाए। हम मलेशिया को भी फॉलो कर सकते हैं और बाकी देशों से भी ये सीख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, ये इन्फॉर्मेशन हमने बहुत रिसर्च करके बनाई है, ये और कहीं नहीं मिलेगी आपको, तो इसको ज़्यादा आप करिए, अवेयर कीजिए लोगों को, ताकि इस डिमांड को हम मिलके सब उठा सके, इस मुद्दे को के आरक्षण को और कैसे लाना है, इस मुद्दे को और उठाया जा सके। तो वीडियो को शेयर कीजिए, दशूद्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप यूट्यूब पे हैं, और आप हमें दशूद्र @दशूद्रा को फेसबुक और ट्विटर पर भी ज़रूर फॉलो कीजिए। फेसबुक पर भी हम अपनी वीडियोस डालते रहते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग भी करते रहते हैं, बहुत सारे पैनल डिस्कशंस भी चलते रहते हैं। और बाकी कोई फीडबैक हो, कुछ आलोचना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जय भीम साथियों।